हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरी हिंदी चैनल पे, हिंदी जावा चैनल ट्यूटोरियल पे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे एल्स इफ़ का हम यूज़ करते हैं। तो उसका जो ऑल्टरनेटिव है या उसके बदले हम जो यूज़ कर सकते हैं वो है स्विच स्टेटमेंट। तो आप ये भी देखेंगे उस वीडियो में, इस वीडियो में। तो आपको जो अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो एटलीस्ट अगर आपको अच्छा भी नहीं लगे तो एटलीस्ट देख लीजिए वो कैसे वर्क करता है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना स्विच स्टेटमेंट। तो हम क्या करते हैं कि जो प्रोजेक्ट बना हुआ है उसमें राइट क्लिक, न्यू, नया क्लास बनाता है। अगर आपने नहीं प्रोजेक्ट बनाया है तो मेरा पहला वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने सिखाया कि कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। पैकेज एज यूजुअल हम कुछ नहीं डालते, डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। यहाँ पर मैं डालूँगा मेरे क्लास जो है उसका नाम वो है SW पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, क्योंकि मुझे उसमें रन करना है। अब तो आपको पता चल चुका होगा, तो उसके वजह से मैंने उस पर क्लिक किया है। अब वो क्रिएट करेगा मेरा क्लास। तो आई होप आप प्रैक्टिस भी करते होंगे जो वीडियो देख के, तो वो भी बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ आप वो कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत मायने रखता है। इससे आप काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। और ये मेरा क्लास हो गया क्रिएट विथ मेरा मेन मेथड। अब क्या करते हैं, जल्दी से एक मेथड बना लेते हैं। इसमें मेथड बनाना है void, क्योंकि मैं रिटर्न नहीं कर रहा। और मैं अपना नाम दूंगा वर्ल्ड मनी, वर्ल्ड ये मेरा मेथड का नाम है। और curly braces हो गया मेरा ये मेथड। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि मैं मेरा वेरिएबल जो है वो डाल देता हूँ और कहता हूँ रुपी। तो ये है मेरा वेरिएबल नेम, ठीक है, उसमें मैंने स्ट्रिंग में डाल दिया। अब स्विच कैसे वर्क करता है, स्विच और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस जैसे हमने डाला था ना, इफ और उसके बाद भी सेम था, उसी तरह से बिल्कुल स्विच और यहाँ पे ब्रेसेस है। उसके अंदर हमें अपना कंडीशन डालना है, लेकिन यहाँ पे मैं क्या पास कर रहा हूँ, जो ये मनी है ना वो मैं पास कर रहा हूँ मनी, ठीक है। और इसमें हमें केसेस लिखने पड़ते हैं, तो हम लिखते हैं पहला केस, ठीक है। और मैं क्या बोलता हूँ कि अगर ये डॉलर, ठीक है, अगर ये डॉलर है तो मैं क्या करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आर यू फ्रॉम US क्वेश्चन मार्क सेमी कॉलन। और ये मैं करूँगा, और हाँ, इसके बाद आपको डालना है ब्रेक। मैं पहले ये कॉपी करूँगा और थोड़े से और केसेस बनाता हूँ। ये हो गया येन, ये हो गया रूपी, इसमें डालूंगा क्या आप जापान से हैं, क्या आप इंडिया से हैं, ठीक है। तो अब मैं समझाता हूँ कि ये क्या है। तो मैंने इसमें मनी डाल दिया, तो वो कंपेयर करता है। पहला केस ये है, अगर ये डॉलर है, ठीक है, अगर ये मनी जो है वो डॉलर है तो प्रिंट आउट करेगा आर यू फ्रॉम US, अगर नहीं है तो वो ब्रेक करेगा और जाएगा सेकंड में, ठीक है। फिर ये चेक करेगा कि ये येन है या रुपी, ये जो मनी है वो येन है, नहीं है क्योंकि ये है रुपी, तो जाएगा थर्ड में। लेकिन अगर उसको पहले से इधर मिल गया तो वो बाकी का वो नहीं सिलेक्ट करेगा, ठीक है। और मैं करता हूँ ऑब्जेक्ट क्रिएट, तो SWS is equal to new SW और S dot मेरी मेथड का नाम है world money, ये रहा मेरा मेथड का नाम। और हम रन करते हैं इसको, तो क्योंकि मैंने ये रुपी डाला है तो आएगा आर यू फ्रॉम इंडिया, अब ये बन रहा है। और चलो भाई रन हो,
और भी एक चीज़ मैं डालूँगा इसमें, मैं आपको बताऊँगा कि क्या अभी और भी हम डाल सकते हैं। और यहाँ पे आ गया आर यू फ्रॉम इंडिया, क्योंकि उसने ये रुपी किया। अगर ये चेंज करता हूँ ना, ये फॉर एग्जांपल ये मैंने डाला येन, तो ये कंपेयर करेगा इधर, ठीक है, ये जाएगा पहले डॉलर में, डॉलर नहीं है तो जाएगा, फिर ये ब्रेक होके जाएगा येन में, इसीलिए हम डालते हैं ये ब्रेक, नहीं तो। और ये मैंने रन कर दिया है और ये आएगा आर यू फ्रॉम जापान। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी ने तीनों में से कुछ नहीं डाला, तो जैसे एल्स इफ में था ना, ये एग्जाम्पल तरीके से ले सकते हैं, इफ और ये सब कुछ एल्स इफ, लेकिन उसमें था एल्स, अगर कुछ नहीं डाला तो उसके लिए क्या डालेंगे? तो यहाँ पे है डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट में क्या होता है कि अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं डाला किसी ने, तो फिर ये डिफॉल्ट वाला हम प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। तो हम डालेंगे अगर तीनों में से कुछ भी नहीं डाला, देन वेयर आर यू फ्रॉम, तो भाई आप हो किधर से, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर डॉलर है तो ये आएगा येन, अगर मैच होगा तो जापान, ये प्रिंट होगा, अगर रुपी है तो ये प्रिंट होगा, अगर कुछ भी नहीं है, जैसे मैंने कुछ एड़ा तेड़ा डाल दिया, ठीक है, तो वो जाएगा डिफॉल्ट में, और डिफॉल्ट के अंदर वो ब्रेक नहीं है, ठीक है ना, तो वो लगेगा वेयर आर यू फ्रॉम, ठीक है। तो इस तरह से लिखते हैं स्विच स्टेटमेंट। तो आप बताइएगा कमेंट में कि आपको कौन सा स्टेटमेंट ज़्यादा अच्छा लगा, एल्स इफ या स्विच। आप दोनों यूज़ कर सकते हैं और आप दोनों ही में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में उतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।